नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रंजीत है और आप देख रहे हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट यूट्यूब। दोस्तों, आज मैं जो आपको वीडियो लेके आया हूँ वो डिशवॉट से रिलेटेड वीडियो है। आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि डिशवॉट जो है हम बनाते हैं तो वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता है। तो आज की वीडियो में यही मैं सॉर्ट आउट करवाने आया हूँ कि किस तरह आप डिशवॉट आपका बनाएं जिसमें ट्रांसपेरेंसी आपसे भी बेहतर क्वालिटी की दिखे और आपका जो प्रोडक्ट्स बने वो ट्रांसपेरेंट क्लियर बने, एक तरफ से दूसरी तरफ आसानी से दिखे। तो मोस्टली आपने देखा होगा दोस्तों कि जब भी हम डिशवॉश बनाते हैं तो कुछ समय बाद जब हम अपने प्रोडक्ट को फिनिश कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो वो जो है थोड़ी सी धुंधलेपन में आती है, क्योंकि उसके अंदर एक्चुअली जो होता है बबल्स होते हैं। उस बबल्स को ख़त्म होने के लिए आपको कुछ उसे समय देना होगा, यानी आपको 12 घंटे का समय देना होगा। 12 घंटे बाद आपका प्रोडक्ट जो है ट्रांसपेरेंट बन जाता है। मान लेते हैं आपका प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट नहीं बना, तो क्या करेंगे आप इस वीडियो में जैसे देख सकते हैं कि मैंने ये जो बनाया है प्रोडक्ट्स ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो इस प्रोडक्ट्स को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, क्रिस्टल क्लियर करने के लिए, जो इसमें आर पर प्रोडक्ट्स दिखे, हम इसमें यूज़ करेंगे साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो है नींबू के रस को भी कहा जाता है। जब भी दोस्तों आपको प्रोडक्ट जो है डिशवॉश बनाते समय इस तरह के इशू आए तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि आपको साइट्रिक एसिड यूज़ करने हैं। कब यूज़ करने हैं? 12 घंटे बाद, जब आपका पीएच वैल्यू मेंटेन हो जाए और बाकी सब चीज़ें क्लियर हो जाएं, तब आपको थोड़ी सी मात्रा में साइट्रिक एसिड डालनी है और उसे मिक्स करना है। जैसे ही आप थोड़ी सी मात्रा में साइट्रिक एसिड डालेंगे, यानी 1 किलो के बैच में आप 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम के लमसम में डालिए और उसे मिक्स करिए, आपका प्रोडक्ट जो है ट्रांसपेरेंट क्लियर बन जाएगा। और साइट्रिक एसिड का एक बेनिफिट ये भी है दोस्तों कि ये आपके प्रोडक्ट को प्रिजर्व करेगा, यानी कि आपके पानी को प्रिजर्व करेगा, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं उसमें सबसे पहले पानी ही ख़राब होता है। तो आपके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो प्रिजर्व रहेंगे। तो साइट्रिक एसिड आपके प्रोडक्ट्स को ट्रांसपेरेंट भी करेगा और साथ ही प्रिजर्व करेगा। डिशवॉश की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं, इस वजह से मैंने आपको वीडियो इसमें नहीं दिखा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिशवॉश से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं मेरी, उन सभी की। आपको जो वीडियो देखनी हो उस डिस्क्रिप्शन के लिंक को फॉलो करके आप वीडियो को देख सकते हैं प्रैक्टिकल के साथ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और मेरे नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।